पूर्णिया जिले के बनमनखी के स्टेशन का हो रहा है जीर्णोद्धार, यानी एक नए स्वरूप में बनमनखी को ढाला जा रहा है। ऐसे में नवनिर्माण स्टेशन का डीआरएम ने किया समीक्षा। बता दें कि जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव भी जनहित मुद्दों को लेकर डीआरएम से किए मुलाकात। बनमनखी रेलवे स्टेशन पहुंचे पूर्व रेलवे समस्तीपुर के डीआरएम विनय श्रीवास्तव, जहां बनमनखी में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी पहुंचे। बनमनखी रेलवे स्टेशन पहुंचकर डीआरएम से मुलाकात की, विभिन्न मांगों की उन्होंने एक फहरिस्त सौंपी। आपको बता दें कि जाप नेता आलोक अकेला ने जनहित की समस्याओं को लेकर 11 सूत्री मांग पत्र डीआरएम को सौंप दिया है। जानकी नगर वासियों की वर्षों से डीआरएम विनय श्रीवास्तव को अवगत कराया गया कि यहां के लोगों के साथ हमेशा रेलवे ने नाइंसाफी की है, अब बर्दाश्त नहीं है। जानकी नगर रेलवे स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस और कोसी एक्सप्रेस ट्रेन का 2 मिनट के ठहराव की मांग है। रुपोली होल्ट का सौंदर्यीकरण करने की भी मांग हुई है। बनमनखी जंक्शन के दक्षिण तरफ एक टिकट काउंटर खोला जाए, इसकी भी मांग की गई है। पूर्णिया रेल कोर्ट रेलवे स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस और हाटे बाजार एक्सप्रेस ठहराव करने की भी मांग हुई है। इसके अलावा राजरानी एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों का भी पूर्णिया से विस्तार करने की मांग हुई है। डीआरएम से मुलाकात के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि हम यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। एक तो था कि जो गज पर जमीन जो दुकानदार है उसको हो गया कि वेरिफिकेशन करके जिसको उसी पर लिया जाएगा। फुटपाथ वाले पर जो रोड इंक्रोचमेंट नहीं करेगा उसको कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगी, वो फुटपाथ पर रहेंगे। दूसरी चीज़, हाटे बाजारे को हमने 4 दिनों का प्रस्ताव दिया है कि आप 4 दिन हाटे बाजारे को आप ले जाइए घर से, क्योंकि पूरा कलकत्ता का व्यापारी, मानसी से डायरेक्ट ट्रेन है लेकिन पूर्णिया मधेपुरा से डायरेक्ट नहीं है, इसीलिए आप मधेपुरा पूर्णिया बनमनखी से हाटे बाजारे को आप क्लियर करें। चौथी चीज़ थी कि कोसी और जानकी नगर में अभी वो रुकेंगे भी, जानकी नगर हमने कह दिया कि एक बार आप रुक करके देख लीजिए। जानकी नगर का मैंने कोसी और इसका कहा कि इसको करिए। दूसरा चीज़, जानकी एक्सप्रेस को कोर्ट स्टेशन के लिए मैंने कहा कि हर कीमत पर इस कोर्ट स्टेशन में रुकना चाहिए कि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। तीसरी चीज़, जनहित जो सहरसा में हमने लाया था उसके पास समय यदि है, समय अत्यधिक है, तो जनहित यदि जैसे रात्रि में पटना के लिए डायरेक्ट ट्रेन होती है, तो यदि जनहित यदि हमको पूर्णिया कोर्ट से यदि शुरू हो जाए, जो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि इस इलाके के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, कि हम रात में जाएंगे पटना सीधा सो करके, तो जनहित पूर्णिया कोर्ट से सहरसा को पूर्णिया हम जनहित को कर सकते हैं, तो जनहित पर हमारी बातचीत हुई। और इसी तरह कुर्सेला से रुपौली बिहारीगंज बढ़ारा मुरलीगंज होते हुए जदिया होते हुए भीमनगर जो रेल का शिलान्यास हमने किया था उसमें LOED भी डाल दी गई थी, जिसमें सर्वे के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए पैसे भी कुछ आए थे। अभी तक 20 साल के बाद यदि हम जिस चीज़ में नहीं पड़े क्या वो नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने कहा कि इस कामों को आप तेज़ी में करिए ताकि कुर्सेला से डायरेक्ट लुक लाइन हम भीमनगर बढ़ारा बिहारीगंज रुपौली भवानीपुर जदिया को हम जोड़ सकते हो। तो एक तो ये महत्वपूर्ण था। बिहारीगंज को कैसे हम मुख्यधारा से, बिहारीगंज से बख्तियारपुर के लिए हमने कहा कि उसको ताकि मुख्यधारा सीधा बनमनखी से हमारे पास शॉर्ट एक मिनिमम मिलेगा, उस पर भी हमारी बातचीत हुई। चौथी अंतिम बात तो हमारी हुई कि कैसे हम पूर्णिया जंक्शन से डायरेक्ट या कटिहार से डायरेक्ट फारबिसगंज होते हुए हम राजधानी को सुपौल होते हुए हम दिल्ली के लिए करें। तो एक हमारी फीलिंग यह भी है कि राजधानी यदि सहरसा में, चूँकि एक लाइन है हमको वहाँ बदलना पड़ेगा, समय अधिक लगता है, तो हम उसको हम कर सकते हैं। तो इस पर सारी बातचीत भी है। ये बात हो गई कि दुकानदार का गज के अनुसार तय किया जाएगा, फुटपाथ को कोई तकलीफ नहीं की जाएगी। और अभी जानकी नगर रुकेंगे और जानकी नगर में मेरा विशेष था कोसी और जानकी से, लेकिन तत्काल कोसी का ठहराव हो ताकि लोग पटना या अन्य चीज़ों जा सके, इस पर मेरा अधिक बल था और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि आवश्यक।
वहीं डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने बताया कि पैनल रूम, लोकेशन बॉक्स, न्यू मॉडल स्टेशन के नव निर्माण की समीक्षा की गई है। नव निर्माण किया जा रहा है, गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रही है। जांच से सही कागजात और दुरुस्त रखने की जानकारी अधिकारियों को दे दी गई है। छठ पूजा को देखते हुए पूर्णिया सहरसा से स्पेशल ट्रेन की घोषणा भी हुई है। भीड़ की संभावना रही तो छठ स्पेशल ट्रेन बनमनखी से चलाने पर विचार भी किया जाएगा। जनहित ट्रेन को लेकर जल्द ही प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। बनमनखी पूर्णिया कोर्ट तक देखने गए, बिहारीगंज भी देखने के लिए गए, सर क्या निरीक्षण आपने किया? बेसिकली मेरा निरीक्षण जो था, जितनी भी सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित चीज़ें हैं उसको देखना था। जो हमारे पैनल रूम्स हैं उनका इंस्पेक्शन किया मैंने, जो हमारे लोकेशन बॉक्सेस हैं उनका निरीक्षण किया, फिर यहाँ बनमनखी में जो नया पुनर्निर्माण का कार्यक्रम हो रहा है उसकी समीक्षा की मैंने। जी सर, और सर यहाँ के लोगों का कहना है कि जनहित ट्रेन और कौन कौन सी ट्रेनें सर यहाँ सौगात में मिल रही है? सर सौगात देखिए, अभी हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे और जैसी फिर केंद्र से सहमति होगी नई दिल्ली से रेलवे बोर्ड की, उसके हिसाब से मतलब देखा जाएगा, बट प्रस्ताव हम अच्छा भेजेंगे। क्या छठ घाट छठ के लिए यहाँ से कोई स्पेशल ट्रेन मिलेगी क्या सर? स्पेशल ट्रेन अनाउंस है, सहरसा से भी अनाउंस है, बनमनखी वाली पता नहीं, बनमनखी से अभी नहीं है, बट देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है, भीड़ के हिसाब से हम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी संभव है उसका प्रस्ताव ऊपर तक भेजा जाएगा और देखना होगा कि आखिर बनमनखी वासियों को क्या कुछ उनके अपने नव निर्मित स्टेशन से मिल पाता है। बनमनखी से अनुभवी आंखें न्यूज के लिए कैमरामैन मिथिलेश के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए, हमारा नंबर है 8826227802।